जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव। आप देख रहे हैं फोर्स अकेडमी फिजिकल। काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और काफी लोगों को ये बात नहीं पता होती है और ना ही किसी यूट्यूबर ने बताई है, जो आज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके मसल्स की रिकवरी के लिए पांच ऐसी बातें जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर इन बातों के बारे में आपको पता होगा तो आपकी मसल्स लूज नहीं होगी, पहली बात। आप दूसरे दिन वर्कआउट को अच्छे एनर्जेटिक रूप में कर पाएंगे और आपकी इंजरी आने के चांसेस, मतलब लेग के अंदर जब आप रनिंग करते हैं तो जो इंजरी आ जाती है जिसकी वजह से आप रनिंग नहीं कर पाते, उससे आप काफी हद तक बच पाएंगे। तो क्या है वो पांच बातें जिन्हें आपको पूरा जान लेना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो रिक्वायरमेंट जिसे आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, आप अगर अच्छे धावक बनना चाहते हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी होना बेहद जरूरी है और मसल्स की रिकवरी के लिए आपको मैं आज जो पांच बातें बताने वाला हूं उनमें से सबसे पहली बात है, आपको नियमित रूप से 4 से लेकर 5 खजूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खजूर के अंदर काफी सारा पोटेशियम पाया जाता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तो आप जितना चाहे उतना तेजी से दौड़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप खजूर खाते हैं तो एक खजूर के अंदर मिनिमम 140 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत और आपको ताकत देने के लिए, आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो आपको लगभग 6 से 7 खजूर, 4 से लेकर 6 तक खजूर खाना है। नेचुरल मिठाई के नाम से पहचाने जाने वाला गुड़ न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है बल्कि सेहत के लिए भी खजाने जैसा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं गुड़ के बारे में और जानते हैं कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम एनर्जी कैसे लें, तो गुड़ आपको देता है एनर्जी, बहुत जल्दी आपको थकान, आपकी जो थकान होती है उसे दूर कर देता है गुड़। आपको रोजाना गुड़ खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद आप अपने मील में ऐड कर लीजिए गुड़, क्योंकि गुड़ के काफ़ी सारे फायदे हैं। कई बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे घुटनों के अंदर दर्द होता है दौड़ते वक्त, तो आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा होती है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता देती है। तो आपको गुड़ के फायदे मैंने बताई दिए, जो कि आपका दूसरा पॉइंट है जिसे आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, तो आपको रेगुलर गुड़ का भी यूज़ करना है। दोस्तों, तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रनिंग अच्छी करना चाहते हैं और मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हल्दी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दी दूध की, जिसे आपको नियमित रूप से पीना चाहिए। वैसे तो हल्दी दूध का प्रयोग आमतौर पर खून के रिसाव को रोकने के लिए, चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार हमने हमारे माता पिता या फिर हमारे बुजुर्गों से सुना है कि रात को हल्दी दूध का सेवन करने से हमारी हड्डियाँ तो मजबूत होती है और साथ में जो हमें हाथ पैरों के अंदर दर्द होता है वो कई हद तक दूर हो जाता है। तो आपको सोते वक्त हल्दी दूध का यूज करना है, एवरीडे आप इसका यूज करेंगे तो आपको शायद ही कोई मसल्स रोल्स होगा आपका और ना ही आपकी जो मसल्स के अंदर इंजरी आने वाली होती है वो नहीं आएगी। तो आपको हल्दी दूध का सेवन कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगले पॉइंट के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हुए आपको बताएंगे, क्योंकि इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी एक बॉडी जो होती है ना, वो होती है एक मशीन की तरह, और मशीन को समय समय पर ग्रीस ऑयल पानी की ज़रूरत होती है। हम समय समय पर उनको करवाते रहते हैं तो मशीन आवाज़ नहीं करती है, वैसे ही आपकी बॉडी है। अगर आप मसाज करेंगे पैरों की, पैरों के अंदर ग्रीस डालेंगे, पैरों को मसाज देंगे, तो आपकी बॉडी आवाज़ नहीं करेगी और आप अच्छे लेवल पर रनिंग कर पाएंगे। तो मसाज आपको करते रहना है हर दिन, आपको कम से कम अपने पैरों से, आपके पैर बहुत ही ज़रूरत है आपको इन पैरों की, क्योंकि इनके ही बदौलत आप आर्मी की रनिंग निकालने वाले हैं। तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट अपने पैरों को मसाज देना है, मसाज करते रहना है। अब ये मसाज आप करेंगे तो आपको आपकी बॉडी में फर्क दिखेगा जब आप वर्कआउट करने जाएंगे, तो आपको मसाज कंटिन्यू करते रहना है। दोस्तों, चाहे आप रनर हो, आप एथलीट बनना चाह रहे हो या फिर आप मसल्स बिल्डअप करना चाह रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है और सभी रखते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए आप अगर वर्कआउट करेंगे तो आप लंबे टाइम तक लंबे घोड़े बने रहेंगे। बात है आपके रेस्ट की, यानी कि अच्छी नींद की। आपको एक दिन में कम से कम, अगर आप रनर है तो 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। आप अगर 8 घंटे की अच्छी नींद लेंगे तो अच्छी नींद आपको रिकवरी देती है अगले दिन वर्कआउट करने के लिए। आप रिफ्रेश होकर उठेंगे और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप पूरी तरीके से आराम करके कंफर्ट जोन में नींद लेकर जाएंगे तो आपको कम से कम एक दिन में 8 घंटे का रेस्ट करना जरूरी है। चाहे आप मसल बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये गार्ड बांध लीजिए कि आपको एक ही बार में लमसम 8 घंटे की नींद लेना ही जरूरी है।
तो दोस्तों जितना वर्कआउट आपके लिए जरूरी है उतनी आपकी बॉडी की रिकवरी जरूरी है। अगर रिकवरी करना है आपको तो इन चीजों का ध्यान रखिए और अप्लाई करिए अपने अपने दैनिक दिनचर्या में। 8 दिन ये करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, फायदा जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।